हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी आर लाइक क्रिएटिविटी। आज मैं बनाने वाली हूँ खाली नाइसिल के डिब्बों से एक ब्यूटीफुल और यूनिक पेन होल्डर। पेन होल्डर बनाने के लिए मैंने ये खाली नाइसिल के डिब्बे ले लिए हैं और सबसे पहले हमें इसकी बाहर की पन्नी हटा देनी है। इस तरह से आप पन्नी हटा लें और इसको हमें बराबर हिस्सों में बाँट लेना है। आप चाहे तो बड़ा भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास डिब्बे ज़्यादा हैं तो आप सिंगल सिंगल बनाइए और मैं इसके डबल कर दूँगी। डबल करने के लिए इसको बराबर नाप लें और बराबर हिस्सों में बांट लें और इस तरह से निशान आप लगा लें पेंसिल से या स्केच पेन से या मार्कर से। आप मार्क कर लें, दोनों साइड से इस तरह से मार्क कर लेना है अच्छे से, बराबर बराबर मार्क कर लें और इस तरह से इसको डार्क कर लें। मार्क कर लेने के बाद इस तरह से कार्डबोर्ड कटर से काट लें। अगर आपके पास कार्डबोर्ड कटर नहीं है तो आप चाकू गरम कर लें गैस पे, तो इस तरह से उसको चाकू से आप काट सकते हैं। बहुत आसानी से कट जाता है चाकू से भी। पहले मेरे पास नहीं था तो मैं चाकू से ही काटती थी। और इस तरह से इस पर ग्लू लगा लें। आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी आप चिपका सकते हैं। और ये ऊन ले लें, ऊन से इस तरह से आप इसको लपेट लें। और देखिए, मैंने बहुत कम चीज़ों से और ये घर की बेकार चीज़ों से मैंने बहुत ही खूबसूरत एक पेन होल्डर बना लिया है। आप चाहे तो इसको किचन के लिए काम में ले लें, चाहे आप पेन के लिए काम में ले लें, कैंची आप सीजर वगैरह आप रख सकते हैं। इस तरह से लपेटते रहें और इससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे और भी यूनिक पीस बना सकते हैं। तो घर का सामान भी बेकार नहीं जाएगा, जो वेस्ट हम फेंक देते हैं बेकार समझ के, या तो कबाड़े में दे देते हैं या फेंक देते हैं, ये वेस्ट ही जाता है और हमें वेस्ट नहीं करना है। इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो हम इससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम घर की चीज़ों को काम में ले लें और एक यूनिक अपने घर को भी सजा लें। घर का सामान हम बना सकते हैं बिना कोई खर्च के। और मार्केट में आप देखें तो ये काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं, तो इसलिए हमें घर पर ही बना लेने चाहिए बेकार सामान से। ये बहुत ही खूबसूरत बन गया है। ये देखिए, ये मैंने सारे लपेट लिए हैं, दूसरा वाला भी मैंने लपेट लिया है इस तरह से ऊन से। और एक ये कांटे वाली चम्मच ले ली और इससे अब हमें पॉम पॉम बनाना है। बहुत ही आसानी से ये पॉम पॉम बन जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पुरानी चीज़ों से बेकार चीज़ों से आपके लिए कुछ नया और यूनिक चीज़ बना के लाती हूँ। इसी तरह से मैं बनाती हूँ अपने चैनल पे, इसी तरह की वीडियो में डालती हूँ। और कुछ मेरी साड़ी ड्रैपिंग की भी है और क्रिएटिविटी की भी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप घर सजाने की शौकीन है, वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, तो इस तरह से निकालें, गांठ लगा लें और इसको इस तरह से कट कर लें। इस तरह से हमें कट कर लेना है। इसी तरह से सारे कट कर लेना है और उसके बाद हमें दूसरा भी बना के रेडी कर लें, दूसरे कलर के ऊन से भी बना लें। ये देखिए, बन गए हैं दोनों कलर के ऊन से, मैंने पॉम पॉम बना लिए हैं, बहुत ही आसानी से बन गए हैं। अब इस तरह से ये ऊन डबल कर लें, दोनों कलर के ऊन आप ले लें और इनको इस तरह से आप जितना चाहें उतना लंबा ले सकते हैं। ये मैंने इतना लंबा ले लिया है और इसको बराबर करके जितना फोल्ड मोटा आप करना चाहते हैं, फोल्ड करना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आप ऊन ले लें। ये मैंने डबल कर दिया है, डबल फोल्ड, और इसको कट कर लें। अब हमें इसको इस तरह से एक छोर से पकड़ना है, इस तरह से लपेटते रहना। दूसरी तरफ से आप दूसरे की मदद ले लें या पैर से दबा लें। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है। अब इस तरह से इसको पकड़ लें अंगूठे से और इनको दोनों को बराबर कर लें, दोनों सिरों को
और इस पे नॉट लगा लें। ये देखिए ये रस्सी बन गई है। और इस तरह से अब ये सुई में आप ये धागा डाल लें और इसको इस तरह से जॉइंट कर लें। इस डोरी की मदद से डोरी में और इस तरह से पॉम पॉम इस तरह से सुई में इस तरह से पिरो लें। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पॉम पॉम इस पर पिरो लिया है और ये नीला वाला भी इस तरह से। और ये दोनों मैंने दो मोती डाल दिए हैं, एक लंबा है एक गोल वाला है। और इस तरह से इसमें नॉट लगा लें, इसको थोड़ी ढीला छोड़ लें धागे को और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल लें और पॉम पॉम से इसमें नॉट लगा लें और इस तरह से इसको बांध लेना है। ये इस तरह से मैंने बांध लिया, एक डोरी ऊपर बांध लें। ये वाली जो पॉम पॉम है दोनों सिरों में मेरे पॉम पॉम है, इस तरह से बांध लें। और आप चाहे तो कोई और डिजाइन में भी बांध सकते हैं या इस तरह से बांध सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बांध लें तो ये काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है और बेस्ट चीज़ से बना है। और इस तरह से इसमें स्टोन चिपका लें। ये स्टोन मैंने कुछ रखे थे पुराने तो इसमें इस तरह से स्टोन लगा लिए हैं ग्लू की मदद से और ये काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से भी आप बांध लें, बांध सकते हैं, इस तरह से बना लें, तो आपकी मर्ज़ी है किसी तरह से बनाएं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक यूनिक पीस लग रहा है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें आप किचन का सामान रखें, चम्मच रखें, नाइफ वगैरह रख सकते हैं, ये पेन रख सकते हैं, आप कलर पेंसिल इसमें रखिए, अपने मेकअप का सामान इसमें रख सकती हैं। तो ये बेकार चीज़ों से मैंने एक ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर बना लिया है। पेन होल्डर आप भी इसी तरह से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और आप भी बनाइए और अगर बनाओ तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।